मैं आपको पैटर्न वाला ब्लाउज बताने वाली हूँ, वो भी ऐसे काट पदर का आता है ना, महाराष्ट्र लोग ज्यादा करके पहनते हैं ऐसी ब्लाउज, जैसा साड़ी और ब्लाउज। आज मैं वैसे ही आपको बताने वाली हूँ कैसे वो पैटर्न किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही अपनी बैग काट ली हुई है, ये 34 चेस के छाती का है। आप भी ऐसे आपकी जो पीछे आपके पास अपना सोच खुद का मतलब मेजरमेंट होगा, वैसे आप पेपर कटिंग पहले काट लेना है। कभी भी पैटर्न करने के टाइम पे पहले पेपर कटिंग काटना जरूरी है ज्यादा दोस्तों, क्योंकि पहले पेपर कटिंग काटेंगे तो फिर आप कपड़े पे अच्छी तरह से कर पे आएंगे। तो पहले अपन पेपर कटिंग काटा हुआ है जैसे है वैसा ही रखना है, कुछ इसमें बढ़ाना बिड़ाना कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपको बाद में बढ़ाऊंगी, गए वीडियो में मेरे मैंने दो पैटर्न बताए वो कैसे बढ़ाई जाती है और कैसे कम की जाती है, आप वो गए वीडियो मेरा देख सकते हो दोस्तों। अभी ये अपना बैक साइड है, अभी इसको मैं कैसे पैटर्न बनाऊंगी इसका आप देखो दोस्तों। अपनी डिजाइन है, अभी नीचे से मैं दो लूंगी। ये दो लोगी नीचे से, मतलब सिलाई मार के डेढ़ आएगा, ओके। और ये पहले मैं ढाई का बॉक्स तैयार कर लूंगी पहले, और यहाँ भी 2½। पहले इसको बॉक्स तैयार कर लेंगे। ओके, अभी यहाँ से चार लेंगे अपन, 4 साढ़े 4, क्योंकि अपना पैटर्न दिखना चाहिए। आपको जैसा अवेलेबल अपना पैटर्न दिख रहा है वैसे वो साइड से आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। यहाँ से मैंने वापस बॉक्स तैयार कर लूंगी, क्रॉस में जाओगी, ये लाइन से ये लाइन इधर टच करने वाली। देखो देखो मेरा मेजरमेंट कैसे, मतलब टेप कैसे मैंने रखा हुआ है। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ से दो लिया, अभी यहाँ से मेरा 4 आएगा, सिल के 3½ पे आएगी वो। ये भी अपन एक छोटा सा बॉक्स करेंगे, क्योंकि अपना गला इतना है दोस्तों, ये गला नहीं है अपना, ये खाली इसमें अपन ना पैटर्न आने वाला, मतलब कपड़ा आने वाला है। अभी अभी अपन पैटर्न देखो कैसे तैयार करेंगे। बीच का ऐसा पहले, सॉरी, पहले डी अपन सेंटर निकाले, 12 यानी 7, 6। पॉइंट आना चाहिए, ओके। अभी ये यहाँ से पान गला जैसा आएगा। ये अपनी पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न में अपने काट डालेंगे, काट डालेंगे वो कैसे की जाती है वो बता रही हूँ मैं अभी। ये देखो, ये अपना पैटर्न तैयार हो चुका है, अभी इसको मैं कटिंग करने वाली हूँ। बहुत आसान तरीका है दोस्तों पैटर्न डालना, कुछ हार्ड नहीं है। किसी को क्या लगता है बहुत हार्ड है, पर एकदम मतलब बहुत आसान है दोस्तों। ओके, ये अपना पैटर्न है, अभी इसका अपन आपको बताने हो कैसे की जाती है पैटर्न की पैट। देखो दोस्तों, ये अपना अस्तर है, अस्तर का बैक साइड अपने पास आना चाहिए।
जैसे हुए के। हाँ एक दोस्त ने मुझे कमेंट की थी एक मैम ने कि आप इस जिसने मेरे ब्लाउज देखे उनका मतलब खींच रहा है ब्लाउज, मतलब उचक रहा है ब्लाउज। वो इसका मैं एक प्रॉब्लम बताती हूँ, वो प्रॉब्लम क्यों उस मैडम का हुआ है कि वो मैडम ने जैसा भी है, जैसे मेरी ब्लाउज की बैक साइड है, जैसे आप कपड़ा रखते हो, कपड़ा रखने के अपना जो पेपर कटिंग आप रखते हो, आपका ब्लाउज क्यों ऊपर जाता है, इसका मैं एक कारण बताती हूँ। जैसे है वैसा आप वहां कपड़ा रखते हो, आप क्या करना कपड़ा मतलब सॉरी आप जो कपड़ा कागज रखते होगे ना पेपर कटिंग, तो इसको क्या करना हल्का सा, मेरे सब मेरे दोस्तों को मैं बोल रही हूँ, थोड़ा हल्का सा 5 इंच ऊपर जाना। ये इतना क्यों मैंने रखा कि अपना ब्लाउज ऊपर जाता नहीं, क्योंकि अपना ब्लाउज का माप कैसा रहता है, पेपर कटिंग अपने जैसे है वैसे ही अपन रखते, तो इसका जो कारण है, जो आप वो अभी पेपर कटिंग रखा है मैंने, अभी ये पेपर कटिंग में देखो मैंने कैसा रखा है, 5 इंच जैसा, इतना थोड़ा सा ऊपर जाना है, खाली इतना कपड़ा छोड़ देना अपने को। क्यों, इसके वजह से आप ये कपड़ा छोड़ोगे ना, इतना 1/2 इंच, इतना आधा आधा ने पाओ आधा इंच छोड़ दोगे ना, तो आपका ब्लाउज ऊपर से ऐसा खींचा हुआ यानी कि ताना हुआ जैसा लगेगा नहीं। इतना खाली इसका एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे हर कमेंट में मुझे आता है कि ब्लाउज ऐसा क्यों उचकता है, पर इसका ये रीजन, आप ऐसा करके देखो आपका ब्लाउज नहीं उचकेगा दोस्तों, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ दोस्तों। ओके, आपको मेरा बात अच्छा लगा, आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, रखना खाली 1/2 इंच थोड़ा ऊपर रखो खाली बस। मुझे हर वीडियो में बोलते मेरे को 38 चार सब मतलब चेस की कटोरी बोल रहे हैं, पर जैसे मैंने मेरा मेजरमेंट बताया ना दोस्तों, आप वैसे ही लेते जाओगे ना तो आपको बराबर आएगा, खाली आपको क्या है बढ़ाना है, खाली मतलब इंच बढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं, जैसे माप है वैसे ही रखना है। देखो दोस्तों मैं किसी पैटर्न तैयार कर रही हूँ, ये बढ़ाना नहीं अपने को है, जैसे है वैसे ही रखना है दोस्तों। बहुत आसान तरीका है पैटर्न, किसी को बहुत हार्ड लगता है, कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, ये अपना पैटर्न हुआ है अभी, ये अभी ये मैं किसको बढ़ाऊंगी, ये अपना है पैटर्न है रखना है, बंद घड़ी में रखना है दोस्तों, क्योंकि अपना पैटर्न ये ऐसा दिखने वाला है। ओके, अभी इसको अपन जैसे है वैसे ही रखेंगे, कैंसिल है दोस्तों अपना, गलती से ड्रॉ हो गया है, अभी इसको अपन जैसे वैसे पहले ड्रॉ कर लेंगे और मैं आपको बढ़ाने और दिखाने हो बढ़ाने मुझे कैसे बढ़ाई जाती है पैटर्न। मन का पैटर्न डाल दो, खाली डालने की तरीका आना चाहिए दोस्तों, बाकी फिर कुछ हार्ड नहीं है पैटर्न डालना, एकदम आसान यानी कि बहुत इजी है दोस्तों, सब लोगों को लगता है बहुत हार्ड है पर कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, एकदम मतलब यानी कि बहुत इजी है। आप मेरा ऐसा ही वीडियो देखते जाओ और मुझे कमेंट में करते जाओ। ओके, अपने ड्रॉ जैसे है वैसे क्या, अभी अपन इसको बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो आपको बताती हूँ, 1 1 इंच बढ़ाना है खाली, 1 1 इंच, ज्यादा नहीं बढ़ाना है दोस्तों, हल्का सा अंदाज ले लेना है अपने को कितना बढ़ाना है क्या बढ़ाना है। दूसरा कलर लेती हूँ मैं, ये अपना बढ़ाने वाली चीज है, ये आपको येल्लो कलर लाइन दिख रहा है ना, ये अपना बढ़ाया हुआ है, ये अपनी बढ़ाई चीजें। ओके, अभी ये बढ़ाया, ये अपनी मेन पैटर्न है दोस्तों। रहा दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, आप जब भी पैटर्न डालोगे ना तो अपने को अस्तर थोड़ा ज्यादा लगता है दोस्तों, कम नहीं चाहिए, कम करेंगे तो क्योंकि बढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही अस्तर लाना, 1 मीटर जैसा ही कपड़ा लाना दोस्तों, कौन से भी पैटर्न करना ना तो 1 मीटर जैसा कपड़ा आप लेके आना दोस्तों, और उसमें अपन पैटर्न करना, नहीं तो क्या कम गिरेगा ना फिर सिलने में आपको दिक्कत होगी और पैटर्न डालने में बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों।
अभी अपना पैटर्न है। देखो कितना कपड़ा लगा है पैटर्न में, है ना। अभी ये अपन काटेंगे। ओके, ये अपना पैटर्न तैयार हो चुका है। अपन ये गला भी काट लेंगे क्योंकि नहीं तो फिर अपने को देखिए ये अपनी पैटर्न है। और ये बीच अभी ये कपड़ा मैंने बढ़ाया हुआ है, ये ऐसी पैटर्न तैयार हो चुकी है अपनी। अभी मैं आपको इसकी मेन दिखाने वाली हूँ। जैसे कि ये अपने बढ़ाया हुआ है ना अपने, ये देखो ये चीज़ का भी तुमको मैं थोड़ा सरलता से बताने वाली हूँ। ये अपना पैटर्न है, अभी ये कपड़ा अंदर जाने वाला है इसी तरह से। अभी मैं इसको आपको कपड़े पे कपड़े पे कटिंग करके दिखाने वाली। ये अपना ब्लाउज पीस है यानी कि साड़ी का। अभी ये कैसे डाला जाता है पहले आप देखो। ये रखना है अपने को, पहले अपन ये चीज रखेंगे क्योंकि ये अपना पैटर्न है ना। देखो दोस्तों इसे रखते जाना है। बंद घड़ी में ही आना चाहिए। अब इसको मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो इसको साथ में रख देगी और इसको फेविकोल से अपन चिपका देगी। फिर अपने स्टिच करने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों। वो बताने वाली हूँ मैं आपको, सॉरी ये रखेगी, कपड़ा अपना वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। अच्छी तरह से समेट लेगी यानी कि बराबर रखेगी। अपना ये बैक साइड है, अभी इसको भी बंद घड़ी में रखेंगे। इसको ऐसा रखेंगे यानी अपना कपड़ा बच जाएगा। वैसा ही रखना है, बाकी कुछ करना है ही नहीं है। अब इसको मैं कटिंग कर लूंगी। थोड़ा ज्यादा ही कपड़ा लेना क्योंकि अपन इसको फेविक्यूल से चिपका देने वाले हैं, फेविकोल से। अपना पैटर्न अभी रेडी हो चुका है दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मुझे सब्सक्राइब तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और ऐसे ही पैटर्न डालते जाना, कुछ हार्ड नहीं दोस्तों, डरना है ही नहीं, जैसे वैसे ही रखते जाना है दोस्तों।
किसको बहुत हार्ड लगता है ब्लाउज सिलना, कुछ हार्ड नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। आप मेरा तरीका यूज करोगे ना तो आपको एकदम आसान लगेगा ब्लाउज सिलने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।